नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। हरितालिका तीज पर्व पर व्रतियों ने पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। वहीं चतरा जिले के टंडवा में भी हरितालिका तीज पर्व पूरे आस्था के साथ की गई है। देखिए, हरितालिका तीज व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग को अखंड और अटूट बनाए रखने के लिए और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरितालिका तीज व्रत को रखती हैं। मान्यता ये है कि मां पार्वती ने भगवान शिव जी को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर वन में तप किया था, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिए। उसके बाद माता पार्वती ने पूजा की सभी सामग्री नदी में प्रवाहित कर अपना उपवास को तोड़ा था। मान्यता ये भी है कि माता ने जब ये व्रत किया था तब भाद्रपद की तीज तिथि थी, वह हस्त नक्षत्र था। हरितालिका तीज पर महिलाएं सुंदर मंडप सजाकर बालू से शिवजी और पार्वती जी की प्रतिमा बनाकर उनका गठबंधन कर उनकी पूजा आराधना करती है। चतरा जिले के टंडवा में भी हरितालिका तीज व्रत पूरी आस्था के साथ की गई। इस अवसर पर योगिता शरण व नेहा शरण ने कुछ बातें बताई। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। जी, मैं कुमार अभिषेक, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, चतरा, झारखंड। आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज चैनल। आइए मैं बात करता हूँ आज तीज पर्व के संबंध पर। जो महिलाएं तीज कर रही हैं, आइए उनसे कुछ बात करते हैं, कुछ तीज पर्व के संबंध में हम लोग उनसे जानेंगे। मैडम, आप बताइए, तीज क्यों मनाई जाती है, इस पूजा का क्या महत्व है? तीज पूजा इसलिए करते हैं कि घर में सुख शांति रहे, सुख समृद्धि रहे, पति का दीर्घायु रहे, घर और बाल बच्चा का अच्छा भविष्य बने, इसलिए तीज का पूजा करते हैं। भगवान शंकर का, शिव पार्वती का पूजा करते हैं। आपको पता है कि तीज को हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है, इसका सवारी धूमधाम से कहाँ निकाली जाती है? हाँ सर, ये राजस्थान के जयपुर इलाके में निकाली जाती है। वहाँ माँ पार्वती की भव्य तरीके से इस त्यौहार को वहाँ पे लोग मनाते हैं, उनकी बहुत अच्छे से वहाँ पूजा की जाती है। और कुछ आप बताना चाहेंगे हरियाली तीज के संबंध में? हरियाली तीज में ये हरितालिका जो कहा गया इस तीज को, इसका ये मतलब है कि इस तीज का नाम इसलिए पड़ा ये क्योंकि जब माँ पार्वती शिव जी को पाने के लिए तपस्या कर रही थी तो उनकी सखियां उन्हें हरकर लेकर गई थी वन में, तो इसीलिए इसे हरितालिका तीज कहा गया है। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, सहभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126। संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।